तो थर्मोडायनेमिक्स में हम कंटिन्यू कर रहे थे हीट इंजन को, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हीट इंजन को। हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन में हम देखे थे कि एक सिंक था हमारा जो T1 टेम्परेचर पे था और Q1 हीट सप्लाई कर रहा था वर्किंग सब्सटेंस को। वर्किंग सब्सटेंस का क्या काम था कि ये W वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बाहर कर दे रहा था और जितना भी रेस्ट हीट है Q2 उसको, सॉरी सोर्स है, यहाँ पे सोर्स कहाँ पे, T1 टेम्परेचर पे वो Q1 हीट सप्लाई कर रहा है और वो Q2 हीट हमारा सिंक के पास चला जाता था जो T2 टेम्परेचर पे था। T1 ग्रेटर देन T2 टेम्परेचर था और Q1 भी ग्रेटर देन Q2 था। ज्यादा हीट मिल रहा था वर्किंग सब्सटेंस को, कुछ वर्क डन कर रहा है और कुछ वेस्ट हो रहा है हमारा Q2 अमाउंट ऑफ हीट। तो हीट इंजन में वर्क डन इज इक्वल टू आता था Q1 माइनस Q2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा वर्क डन आता था Q1 माइनस Q2। यानी कि वर्किंग सब्सटेंस हमारा Q1 हीट लेके Q1 माइनस Q2 वर्क डन करता है। यानी कि अगर हम एफिशिएंसी की बात करें हीट इंजन के, हीट इंजन में एफिशिएंसी देखा जाता है तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू द आउटपुट बाय इनपुट। हमारा ये वर्क डन जो है ये आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है, तो वर्क डन बाय Q1 इज आवर एफिशिएंसी। वर्क डन इज इक्वल टू होता था Q1 माइनस Q2 बाय Q1, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1 माइनस Q2 बाय Q1, 1 माइनस Q2 बाय Q1 वर्क। और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, हम जानते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इन कार्नोट साइकिल, आगे देखेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हीट एनर्जी ज्यादा टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का ज्यादा ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एफिशिएंसी, सॉरी, तो यहां से Q2 बाई Q1 आ जाएगा हमारा T2 बाई T1, Q2 by Q1 is equal to T2 by T1 because Q is directly proportional to T. तो यहाँ पे Q2 by Q1 के जब अगर हम डाले T2 by T1 तो N is equal to आएगा 1 minus T2 by T1. और यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं N is equal to T1 minus T2 by T1. तो ये दो चार फॉर्मूला जो यूज होंगे, W is equal to Q1 minus Q2, N is equal to W by Q1 या Q1 minus Q2 by Q1 और N is equal to T1 minus T2 by T1. हीट इंजन के केस में मेन बात समझने वाली है कि हीट इंजन में अगर हम बात करें तो अगर Q2 अमाउंट हमारा जीरो हो जाए, अगर हम एक केस ले इफ Q2 बिकम्स जीरो, अगर हमारा Q2 जीरो हो जाए यानी कि वर्किंग सब्सटेंस जितना हीट ले रहा है Q1 कुछ भी वेस्ट नहीं करके सारा का सारा वर्क डन यहां कर दे बाहर, तो Q2 अगर जीरो हो जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0 बाई Q1, ये क्वांटिटी हमारा जीरो, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, एफिशिएंसी 1 हो जाएगा या कहें 100% हो जाएगा। तो हमारा एफिशिएंसी 100% हो जाएगा, हीट इंजन का एफिशिएंसी 100%, क्योंकि अगर Q2 जीरो हो तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर Q2 अमाउंट जीरो हो जाए तो हीट इंजन हमेशा 100% एफिशिएंसी देगा, ऐसा कहता है। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकली 100% कोई भी इंजन एफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वैलिड नहीं है। तो ये था हमारा हीट इंजन के बारे में। आज हम सेकेंड इंजन के बारे में पढ़ेंगे या सेकेंड एप्लायंस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर तो देखा हूं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। तो रेफ्रिजरेटर को हम हीट पंप भी कहते हैं, हीट पंप। ऐसे तो रेफ्रिजरेटर नाम सुनता ही हीट का कोई मतलब ही नहीं होता, वो कोल्ड से ही होता है, बट इसको हीट पंप कहा जाता है, हीट पंप। और ये सेम लगभग सेम होता है हीट इंजन से, ये भी हीट ही देता है हमारे, हीट पंप। इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो होता है वो अंदर के चीजों को तो ठंडा करता है बट सराउंडिंग में सम हीट सप्लाई करता है, सराउंडिंग को हीट सप्लाई करता है। अगर कहा जाता है रूम कैन बी वॉर्म्ड, रूम कैन बी वॉर्म्ड बाय कीपिंग द
फ्लोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओपन. रूम कैन बी वार्म बाय कीपिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओपन. रूम कैन बी वार्म बाय कीपिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओपन. अगर तुम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हो, जो रूम है, जो सराउंडिंग है, वो पूरा सराउंडिंग गर्म हो जाएगा. बिकॉज रेफ्रिजरेटर इज ए हीट पंपिंग मशीन, वो हीट पंप करता है, बाहर के सराउंडिंग में हीट पंप करता है. तो रेफ्रिजरेटर को हीट पंप कहा जाता है. अगर रेफ्रिजरेटर में भी तीन चीज ही होता है, एक तुम्हारा सिंक रिसोर्स, एक तुम्हारा वर्किंग सब्सटेंस और एक होता है तुम्हारा सिंक. अगेन सोर्स T1 टेम्परेचर पे होता है और सिंक T2 टेम्परेचर पे होता है. और सिंक का टेम्परेचर कम होता है सोर्स के टेम्परेचर से. सोर्स के पास Q1 हीट जाता है. हीट इंजन में सोर्स Q1 हीट देता था. रेफ्रिजरेटर में सोर्स के पास Q1 हीट जाएगा. सिंक यहाँ पे Q2 हीट सप्लाई करेगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ भी वैलिड नहीं करता, क्योंकि हीट इंजन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला था कि जो सिंक सोर्स होता है वो हीट सप्लाई करेगा, यानी जो हॉट बॉडी होगा वो हीट सप्लाई करेगा. लेकिन रेफ्रिजरेटर में सिंक होता है वो हीट सप्लाई करता है. तो वो आइडिया नहीं दिया था कि हॉट बॉडी हीट सप्लाई करेगा या कोल्ड बॉडी हीट सप्लाई करेगा. सो रेफ्रिजरेटर में तुम्हारा सिंक जो ठंडे टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे, वही हीट सप्लाई करता है, उल्टा. तो हमारा तीन चीज होता है, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक. तो देखते हैं हम रेफ्रिजरेटर के बारे में. हेलो, तो देखते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में. मॉर्निंग. रेफ्रिजरेटर के बारे में. रेफ्रिजरेटर में तीन चीज होता है हमारा. अगेन सिंक यहाँ पे पहले होगा, वर्किंग सब्सटेंस तो हमारा बीच में है. वर्किंग सब्सटेंस, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये दो डायग्राम अगर याद हो गया तो समझ जाओगे. हमारा सोर्स लास्ट में होगा, सिंक T2 टेम्परेचर, सोर्स T1 टेम्परेचर, और अगेन T1 इज ग्रेटर देन T2. ये गर्म और ये ठंडा है. उससे पहले समझो एक बात कि अगर हीट करता है, हीट लॉ करता है, मतलब हीट में कहा जाता है कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है, हीट ट्रांसफर कैसे होता है. तो एक बॉडी होता है हमारा, ठीक है, और सपोज कर लो एक और बॉडी है, एक और बॉडी है, दो बॉडी है हमारा. ये हायर टेम्परेचर पे और ये लोअर टेम्परेचर पे, ये वन है, ये टू. तो फर्स्ट बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर, ज्यादा तापमान है इसका, और सेकेंड बॉडी लो टेम्परेचर में, कम तापमान है. अगर हम इस दोनों बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाए, क्या चीज में लाए, कॉन्टैक्ट में, तो देखेंगे कुछ देर बाद कि कोई ठंडा हो जाएगा और कोई गर्म हो जाएगा. तो एक्चुअली हीट ट्रांसफर कैसे किया, इसके पास कुछ हीट है और इसके पास कुछ हीट है, दोनों के पास अलग अलग हीट है. अगर हम दोनों को एक साथ कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो कुछ हीट ट्रांसफर होगा, ये तो जरूर होगा. एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर जरूर होगा. तो कहा जाता है कि हीट जो ट्रांसफर होता है वो फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी पे होता है. यहां से हीट ट्रांसफर होगा इसमें, क्यू, यानी कि बॉडी एट हायर टेम्परेचर से बॉडी एट लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर. कभी भी बॉडी एट लोअर टेम्परेचर से बॉडी एट हायर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन. विदाउट एक्सटर्नल, अगर तुम कुछ भी वर्क डन नहीं कर रहा, एक्सटर्नली कोई वर्क नहीं कर रहा, तुम सोच रहा कि अपने आप हो जाए, तुम एक आइस को लो और कुछ गर्म, कुछ भी गर्म चीज को लो और दोनों को कॉन्टेक्ट में लाते हो ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आइस और ठंडा हो जाए और वो और गर्म हो जाए, यानी कि हीट यहां से वहां चला जाए, ये ऐसे कभी नहीं होगा विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन. अगर तुम एक्सटर्नली कोई भी वर्क डन नहीं करते हो तो कभी भी लोअर टेम्परेचर से हीट हायर टेम्परेचर के बॉडी में नहीं जा सकता है. बट रेफ्रिजरेटर ठीक इसका उल्टा काम करता है. सिंक हमारा T2 टेम्परेचर पे है और सोर्स हमारा T1 टेम्परेचर पे है, और T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2 टेम्परेचर, यानी कि ये ठंडा है और ये गर्म है, लेकिन फिर भी यही हीट सप्लाई करेगा. कितना? Q2. सिंक Q2 हीट सप्लाई करेगा, लेकिन हम क्या बोले कि कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट सप्लाई नहीं होगा विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन. तो हमें यहाँ पे कोई एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा. तो
तुम रेफ्रिजरेटर को ऐसे ही छोड़ दो, कभी कुछ नहीं होगा, कोई भी ठंडा चीज नहीं होगा जब तक तुम उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे। लगाओ ना करंट, जब उसमें पास कराएगा तो रेफ्रिजरेटर वर्क करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर हमें ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट में हीट को ट्रांसफर करवाना है तो हमें एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा W, एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा W। तो हीट इंजन में एक्सटर्नल वर्क डन होता था, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन हम लोग करेंगे, वहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम था, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिंक हमारा Q2 हीट सप्लाई करेगा जो ठंडा टेम्परेचर था वहां से, और इसको Q1 हीट मिलेगा, और कुछ वर्क डन हमें करना पड़ेगा यानी कि रेफ्रिजरेटर में। और ये वर्क डन हमारा वही रेफ्रिजरेटर के केस में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम वर्क डन करते हैं, इसको जब तक करंट इससे पास नहीं करवाएंगे तब तक रेफ्रिजरेटर हमारा काम नहीं करेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, और कोई भी बॉडी हमारा विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो रेफ्रिजरेटर में ये चीज होता है। अब इस एक साइकिल में देखें, इन अ साइकिल कितना हीट एब्जॉर्ब किया ये वर्किंग सब्सटेंस, तो डी क्यू अमाउंट जो हीट एब्जॉर्ब किया वो होगा हमारा इस दोनों का डिफरेंस, ये हायर हीट एनर्जी है ये लोअर हीट एनर्जी, तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज Q1 माइनस Q2। हीट एब्जॉर्ब नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब Q1 माइनस Q2 किया। और हमारा वर्क डन की बात करें DW की, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, हम पहले बता चुके हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव वर्क डन होता है, यानी कि एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब ऐसे समझ लो कि यह पिस्टन लगा हुआ है, ओके पिस्टन लगा हुआ है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है यानी कि हम पिस्टन को सप्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा और नीचे आएगा, नीचे आने की वजह से वॉल्यूम घटेगा, वर्क डन निगेटिव होगा, क्या होगा वर्क डन निगेटिव, यानी कॉम्प्रेशन वर्क निगेटिव होता है, पहले बता चुके हैं। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज कॉम्प्रेशन वर्क है, तो ये DW यहाँ पे माइनस W होगा, DW यहाँ पे माइनस W हो जाएगा। और यहाँ भी ये साइक्लिक प्रोसेस है तो DU हमारा क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ भी ये साइक्लिक प्रोसेस है तो DU हमारा क्या हो जाएगा जीरो। अच्छा, इन अ साइकिल में DQ अमाउंट जो नेट अमाउंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब किया वो Q2 माइनस Q1 होगा, सॉरी Q2 माइनस Q1। तो हीट DQ Q2 माइनस Q1, DW माइनस W हो जाएगा और DU हमारा जीरो, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक। बोथ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर आर साइक्लिक प्रोसेस। ओके, उसके बाद देखो कि इन अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। अब तो ये क्लियर है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। DQ हमारा क्या है? Q2 माइनस Q1। DU हमारा जीरो है और DW क्या है? माइनस W। तो हमारा वर्क डन हो जाएगा अगेन Q1 माइनस Q2। सेम इक्वेशन है हीट इंजन से, Q1 माइनस Q2 हमारा वर्क डन हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। तो हमारा वर्क डन का इक्वेशन आ जाएगा Q1 माइनस Q2, यानी जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, हमको जितना इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा जिस रूप में इलेक्ट्रिकल वर्क डन, वो हमारा Q1 माइनस Q2, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर देना पड़ेगा। वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। उसके बाद हम हीट इंजन में एफिशिएंसी बताते थे। रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखा जाता है, एफिशिएंसी नहीं देखा जाता है। देखो रेफ्रिजरेटर में बीटा देखा जाता है, वहां पे एन देखा जाता है, यहाँ पे बीटा, बीटा को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स में मतलब रेफ्रिजरेटर में बीटा देखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अगेन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी एफिशिएंसी के जैसा ही हुआ, सेम वही हुआ एफिशिएंसी। तो बीटा इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, यहाँ पे देखो आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें Q2 आउटपुट मिल रहा है, कितना हम सिंक से खींच पा रहे हैं हीट को, तो ये हमारा हो गया आउटपुट। और हम इनपुट क्या दे रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं, इनपुट वर्क डन दे रहे हैं, तो ये हमारा हो गया इनपुट। तो एफिशिएंसी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट है Q2 और इनपुट है W।
तो बीटा इज इक्वल टू होता है क्यू टू बाई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू. सो पुट करेंगे यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू क्यू टू बाई क्यू वन माइनस क्यू टू. बीटा इज इक्वल टू क्यू टू बाई क्यू वन माइनस क्यू टू. अगर हम डिवाइड करो यहाँ पे क्यू वन से बोथ नीचे की और ऊपर भी डिवाइड करो बीटा इज इक्वल टू क्यू टू बाई क्यू वन बाई वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन. बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्यू वन से डिवाइड कर दिए. एंड इन अ कार्नट साइकिल Q2 by Q1 होता है T2 by T1 के बराबर बिकॉज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगा. Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. तो Q2 by Q1 के जगह पे T2 by T1 डालेगा तो T2 by T1 by 1 minus T2 by T1 या फिर beta is equal to T2 by T1 minus T2. तो beta in the sense of temperature का formula होता है T2 by T1 minus T2. तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ हीट एनर्जी हो गया और एक फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर हो गया T2 by T1 minus T2. उसके बाद कुछ बात समझो यहाँ पे कि बीटा इज इक्वल टू होता है क्यू टू बाई डब्ल्यू और बिना वर्क डन किए बिना इलेक्ट्रिकल वर्क डन किए हम रेफ्रिजरेटर को काम नहीं करवा सकते. तुम रेफ्रिजरेटर को कहीं भी रख दो वो अपने आप काम नहीं करता जब तक उसको करंट नहीं देगा. किस रूप में वर्क डन करूंगा मैं तो वर्क डन तो हमारा कभी भी जीरो नहीं होने वाला. वर्क डन हमारा कभी भी जीरो नहीं होने वाला. बात समझो बीटा इज इक्वल टू होता है क्यू टू बाई डब्ल्यू होता है तो हमारा वर्क डन तो कभी भी जीरो नहीं होने वाला. नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं. अगर जीरो कर दोगे तो काम नहीं करेगा रेफ्रिजरेटर. तो रेफ्रिजरेटर को काम करवाने के लिए वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होगा. इफ वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होगा तो बीटा हमारा कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा. नेवर. ये दोनों चीज कभी नहीं हो सकता. यानी कि बीटा इनफाइनाइट होने का मतलब है कि अच्छा काम रेफ्रिजरेटर गुड फंक्शन कभी नहीं कर सकता. 100% काम कभी नहीं कर सकता. कुछ ना कुछ उसमें खराबी रहता ही है. मतलब पूरा का पूरा एफिशिएंट नहीं होता. ओके, क्योंकि वर्क डन नेवर बी जीरो, बीटा इज नेवर बी इनफाइनाइट. उसके बाद देखो कि बीटा इज इक्वल टू होता है टी टू बाई टी वन माइनस टी टू. अच्छा एक बात समझो, फिल करना चाहो तो सिंक होता है हमारा. सिंक, सिंक क्या होता है? सिंक वो चीज होता है वो फूड स्टफ. सिंक हो जाएगा तुम्हारा फूड स्टफ या कुछ भी ले लो. फूड स्टफ कुछ भी, मतलब खाना कुछ भी जो जिसको तुमको ठंडा करना है. तुम जिस जो रेफ्रिजरेटर तुम जिस चीज को ठंडा करने के लिए रखा है वो क्या है तुम्हारा सिंक. वो टेम्परेचर टी टू पे है और क्यू टू अमाउंट ऑफ इट सप्लाई करेगा. देखो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि इसी सिंक से हीट खींच लेता है. जब किसी चीज से तुम हीट खींच लेगा तो वो ठंडा हो जाएगा बॉडी. तो हमारा कुछ भी तुमको जो ठंडा करना है वो तुम रेफ्रिजरेटर में डालोगे तो वो सिंक की तरह एक्ट करेगा. और सोर्स क्या है हमारा? सोर्स है हमारा सराउंडिंग. सोर्स है हमारा सराउंडिंग, यानी कि रेफ्रिजरेटर के आसपास जो भी सराउंडिंग है वो तुम्हारा सोर्स है. तो रेफ्रिजरेटर एक्चुअली करता क्या है कि वो फूड स्टफ से या जो भी चीज तुम ठंडा होने के लिए रखे उससे हीट खींच लेता है और वो सराउंडिंग में फेंक देता है, बाहर में सराउंडिंग में फेंक देता है. तो बीटा इज इक्वल टू दैट टी वन माइनस टी टू. सिंक तुम्हारा टी टू टेम्परेचर पे और सोर्स तुम्हारा टी वन टेम्परेचर पे. टी टू जो है जैसे जैसे रेफ्रिजरेटर काम करेगा, प्रोसेस करेगा, जैसे जैसे फ्रिज काम करेगा रेफ्रिजरेटर, तो तुम्हारा टी टू क्या होगा? डिक्रीज. टी टू डिक्रीजेस एज रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा. तो हमारा टेम्परेचर ऑफ द सिंक ठंडा होते जाएगा, फूड स्टफ ठंडा होते जाएगा. तो टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल डिक्रीजेस और तुम्हारा सराउंडिंग में टेम्परेचर लगभग कॉन्स्टेंट है. टी वन क्या हमेशा कॉन्स्टेंट है. अभी जो तापमान है तुम्हारे आसपास वही तापमान रेफ्रिजरेटर काम करे नहीं करे वही तापमान रहेगा. तो T1 तो कांस्टेंट है और T2 डिक्रीज कर रहा है. तो ये डिक्रीज कर रहा है और ये उतना का उतना ही है तो ये होल क्वांटिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. T1 माइनस T2 विल इंक्रीजेस. T1 माइनस T2 इंक्रीज है सो बीटा विल डिक्रीजेस. बीटा डिक्रीज है व्हेन रेफ्रिजरेटर वॉक. जब रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा तो टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल डिक्रीज, टी टू डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग विल कॉन्स्टेंट या सोर्स विल कॉन्स्टेंट
So T1 minus T2 quantity will increases और beta will decrease, यानी कि refrigerator का efficiency कम हो जाएगा जैसे जैसे refrigerator work करेगा. जैसे जैसे refrigerator work करेगा T1 minus T2 will increases and beta will decreases. And कभी भी beta कभी भी infinite नहीं होगा, कभी beta infinite नहीं होगा. ये था हमारा refrigerator का केस. एक और चीज देख लो, रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी. हीट इंजन में एफिशिएंसी था और यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस है. इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन याद कर लो, बीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एन बाय एन. बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन बाय एन एंड दैट इज अवर रेफ्रिजरेटर.